नैया के खिबैया माझी नदिया के धारे एक छोर छोड़े ढूंढे दूसरे किनारे लहर लहर गहरा सागर माझी लहर लहर गहरा सागर किसने था जानी रे राह में जो भटकी लहरे उनकी ये कहानी रे गाते गाते पार ले जा गाते गाते पार माझी गाते गाते पार माझी गाते गाते पार ले जा माझी समीर जैसे बिंदु बिंदु बहती है तट की श्रवण कातरता रेत रेत कहती है बूंद बूंद कण कण चुंबन माझी बूंद बूंद कण कण चुंबन कृष्ण ने ही जानी रे राह में जो भटकी लहरे उनकी ये कहानी रे गाते गाते पार ले जा गाते गाते पार माझी गाते गाते पार माझी गाते गाते पार ले जा माझी के बाद ज्यादातर हम पेयर में ही रहते थे ससुराल तो कभी कभी जाते थे जब हम 13 बरस के हुए तो घर वालों के साथ एक बार पुरुषोत्तम दर्शन गए और वापस लौटते वक्त एक दुर्घटना का शिकार हो गए जिससे हमारे सारे सपने धूल में मिल गए दुर्घटना उड़ीसा से लौटते वक्त रास्ते में पठान डाकुओं के हाथों अपना धर्म गंवा बैठे और नतीजा समाज ने हमें साथ बाहर कर दिया सुना है नौकुमार के पिता अपने जाति भ्रष्ट समधी के साथ साथ अपनी पुत्र वधु को भी त्यागने की सोच बैठे क्या कह रहे हो जरा आहिस्ता बोलो पद्मा सुन लेगी तो एक न एक दिन तो वो सुनेगी ही ये बात क्या तुम उससे छुपाए रख सकोगी तुम्हारी ही वजह से मेरी पद्मा की किस्मत टूटी है
बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हमने अपने पति का घर कमाया और हमारे परिवार ने अपनी जाति, अपना समाज, घर बार छोड़कर हम पहले राजमहल गए, वहां से ढाका और फिर आगरा। तब तक हमारा नाम लुत्फुन्निसा हो चुका था। शाही घराने में काफी नाम कमाने लगे थे हम। तुम्हें जितना देखता हूं उतना ही हैरान होता हूं। कितनी खूबियों के मालकिन हो तुम। खुद को संभालिए शहजादे। कहां आप अकबर बादशाह के फर्जन और कहां हम इस सल्तनत के गुलाम उमरा की एक नाचीज बेटी। तो क्या मैं ये समझ लूं कि तुम मुझे ठुकरा रही हो या तुम किसी और को अपनी नजरों में बसा चुकी हो। शहजादे के दिल में इस गलतफहमी के पैदा होने की वजह जान सकते हैं हम? मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से तुम उसे नजरें चुरा रही हो। ये आपकी गलतफहमी है शहजादे। आगरे के लोगों में आपको और हमें लेकर जो कानाफूसियां हो रही हैं, उनसे आप ही का नुकसान है और इसीलिए हमने ये तय किया है। पर ये मुमकिन नहीं है लुत्फुन्निसा, ये मुमकिन नहीं है। लुत्फुन्निसा, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। नहीं, कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी ही पड़ेगी, कोई भी एक तरकीब। मिल गई। आज से तुम होगी हमारी बेगम की खास और खास सहेली। यानी राजपूत खानदान के चिराग मानसिंह की भांजी की सहेली? हाँ, यह हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। जाहिरा तुम होगी बेगम की सहेली
और वैसे वैसे शहजादे सलीम की महबूबा यकीन सलीम पर हमारा ये सपना भी बिखर गया। मेहरुन्निसा को देखने के बाद सलीम के दिलो दिमाग पर छा गई वो, और मेहर से हारने को दिल नहीं माना, इसीलिए सलीम के बेटे खुसरो को आगरे का बादशाह बनाने की साजिश तैयार हुई। उड़ीसाई लेकिन जब जब किस्मत को ही मंजूर ना हो तो कोई क्या कर सकता है भला। रास्ते में ही खबर मिली कि अकबर बादशाह अब इस दुनिया में नहीं रहे, हर तख्त पर सलीम बैठ चुका है। साजिश नाकामयाब हुई। उड़ीसा से लौटते वक्त रास्ते में ही मिल गए थे वो। कौन? हमारे शौहर और तुम्हारे पति। मन में हलचल सी मच गई, एक एक इनकलाब सा आ गया जिंदगी में। लगा सारी जिंदगी हम यूं ही भटकते रहे हैं झूठे सुख की तलाश में। हमारा असली सुख तो उन्हीं के कदमों में है। और इस बात का एहसास होते ही हम आगरा छोड़कर चले आए सप्तग्राम, उनसे मिले, लेकिन उनको ना पा सके। हमारी हर बिंदी ठुकरा कर चले गए वो। देखो बीबी जान, एक तो तुम विधर्मी हो, ऊपर से परस्त्री, तुमसे तो बात भी करना उचित नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो सब कुछ कर नहीं पाऊंगा। तुमसे मेरी किसी भी तरह की मुलाकात ठीक नहीं होगी। ठीक है तो जाइए। नहीं रुक जाइए, मत जाइए, मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। रहम कीजिए, हमें अपना कदमों में रहने दीजिए। हम तो आपके लिए आगरे का तख्त भी छोड़कर आए हैं। रहम कीजिए, इतना बेरहम ना बनिए। अपना ये अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लगा लगा जैसे औरत जात की शख्सियत को नकारा गया है, और इसका बदला लेने के लिए भेस बदल कर हम तुम लोगों के घर की तरफ निकल पड़े। क्यों, क्या सोचकर तुम वेष बदल कर हमारी घर की ओर आई? तुम्हें तुम्हारे पति से हमेशा हमेशा के लिए जुदा करने की नीयत से। पर ये काम तुम कैसे कर पाती? बड़ी आसानी से, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पति के दिल में जहर घोलकर। हर वो सब छोड़ो, अब हम वो सब काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुम हमारी सलाह के मुताबिक चलोगी तो उसे हमारा मकसद तो पूरा होगा ही, साथ में तुम्हारा भी भला होगा। अच्छा, उस तांत्रिक के मुंह से तुमने किसका नाम सुना था? तुम्हारा नाम कपाल कुंडला, तुम्हारा
तुम्हारे मंगल या अमंगल की कामना करते हुए वो कोई होम कर रहा था। होम खत्म होने तक हम वहीं बैठे रहे। होम खत्म होने पर हमने उनसे एक सवाल पूछा और होम कर्मणं क्वाल कुंडले विनाशायत होम कर्मणं क्वाल कुंडले विनाशायत ओम कर्मै विनियोगश्च ह्रीं क्लीं देवि प्रसन्न भवा। शुभमस्तु। निर्जन स्थान पर किस लिए आए हो युवक? बस यूं ही जिज्ञासावश चलाया। इस राह से गुजर रहा था कि हवन की आग दिखाई पड़ी। सो अब तो जिज्ञासा मिट गई होगी, अब तुम अपनी राह पर जा सकते हो। अब मैं कहां जाऊं महाराज? एक पापिनी ने मेरे सारे सपने सारे सुख नष्ट कर दिए हैं। मैं उसी से बदला लेने की राह खोज रहा हूं। तुम भी प्रतिशोध की अग्नि में सुलग रहे हो। मैं भी एक पापिष्ठा को दंड देने के लिए यहां आया हूं। तभी मंत्र पढ़ते हुए आप एक अस्पष्ट सना बार बार ले रहे थे। ठीक कहा तुमने। उस पापिष्ठा को दंड दिए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या उस अधम पापिष्ठा का नाम जान सकता हूं? उसका नाम है कपाल कुंडला। क्या कपाल कुंडला? तुम उसे पहचानते हो क्या? अवश्य, मैं भी उसे ही खोज रहा हूं अपने बदले की आग बुझाने के लिए। तुम भी उस पापिष्ठा को दंड देना चाहते हो? वाह, हम दोनों मिलकर उसका दंड निश्चित करें। ठीक है, बताइए आपके ख्याल से उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? जो अपराध उसने किया है उसका एकमात्र दंड है मृत्यु। मौत? हाँ, मृत्यु। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं ये होम यज्ञ करता रहा हूं। क्यों, क्या तुम इसके लिए सहमत नहीं हो? नहीं, यानी मैं समझता हूं मौत तो सबसे बड़ी सजा है और कपाल कुंडला इतनी बड़ी अपराधिनी तो नहीं। मूर्ख हो तुम। उस पापिष्ठा का यही एकमात्र दंड है। तनिक सोचो, एक ही नारी ने मेरी साधना के सारे सफल ध्वंस कर दिए और तुम्हारे जीवन का सारा आनंद छीन लिया। ऐसी अधम पापिष्ठा का दंड मृत्यु नहीं तो और क्या होगा? सुनो युवक, उस पापिष्ठा की मृत्यु अनिवार्य है। इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी है। जिंदगी में हमने बहुत से पाप किए हैं, लेकिन हम इतना नहीं गिरे हैं कि किसी बेगुनाह लड़की की मौत का कारण बने। सो तांत्रिक की बात पर हम राजी नहीं हुए। हाँ, उस दिन छुपकर मैंने भी ऐसी एक बात सुनी थी। अच्छा, तुम जानती हो वो
वो तांत्रिक कौन है? क्यों नहीं, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, कापालिक। हाँ वही, उन्होंने हमें सारी बातें बताई, कैसे तुम्हें समुद्र के किनारे पड़े पाया, फिर नवकुमार के साथ उनकी मुलाकात, और बाद में तुम नवकुमार के साथ भाग गई, वो सब। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उनके ऊपर क्या गुजरी वो सब तुम नहीं जानती। कापालिक के दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिद है कि वो मां भवानी के आदेश का पालन जरूर करेंगे, और इसलिए वो हमारी मदद चाहते हैं। लेकिन उनके प्रस्ताव से हम राजी नहीं हुए। सच पूछो तो हम उनके इरादे से खिलाफत करना चाहते हैं, और इसीलिए हम तुमसे अकेले में मिलना चाहते थे। तुम ये मत सोचो कि इस भेंट के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। है, स्वार्थ है। हमने तुम्हारे प्राण बचाए हैं, बदले में हम चाहते हैं कि तुम भी हमें कुछ दो, हमारे लिए कुछ करो। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? तुम भी हमारे प्राण बचाओ। प्राण बचाओ? तुम्हारे? कैसे? तुम अपने पति को छोड़ दो।